आप शिवलिंग को फव्वारा मानते हैं? ये पर्सनल कर रही है कमेंट्स, मेरी बात का कोई जवाब दे रहे की बजाय पर्सनल कमेंट कर रही है। देखिए शर्मिष्ठा जी, एक लफ्ज भी साबित नहीं कर सकती है कि मैंने किसी को भी कोई बुरा कहा है। एक लफ्ज मैं चैलेंज के साथ देश के लोगों की भावनाएं भड़का रही है सिर्फ अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए, तू है कौन? मैं लारा भेजता हूँ, आज छेड़ दिया है, उसके बाद उलझना मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है लेखिका सुभ्राष्ट्रा और इस्लामिक स्कॉलर तस्लीम रहमानी के बीच में। दोस्तों राम मंदिर को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें तस्लीम रहमानी का कहना था कि बीजेपी राम के नाम की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं वो दबे मन से विकास की भी दुहाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब सुभ्राष्ट्रा ने इनसे पूछ लिया कि आप अगर राम में विश्वास रखते हैं तो तभी आपसे आगे बात होगी वरना आपसे बात नहीं होगी। और दोस्तों उसके बाद सुभ्राष्ट्रा ने तस्लीम रहमानी के द्वारा एक डिबेट में दिए गए बयान को, जिसमें उन्होंने शिवलिंग को एक फुवारा कहा था, उसका भी जब मुद्दा उठाया तो तस्लीम रहमानी डिबेट से भाग खड़े हुए। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। शमशेर सिंह जी देखते जाओ। अमीर जी, ये 1989 से लेके 89 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहसियत पॉलिटिकल पार्टी ये बात याद आई थी कि इस देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी हैं। 89 से पहले तो इनको कभी भी ये याद नहीं था। और 89 से लेके अब तक तीन गवर्नमेंट्स 16 साल यानी 1998 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार 3 दिन 13 महीने और फिर 5 साल और अब मोदी जी की दो सरकारें, ये किस नाम पे आई हैं? ये रामचंद्र जी के नाम पर ही तो आई हैं ना। मैं तस्लीम रहमानी जी से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछती हूँ, क्या आप श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? क्या आप काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है वहां पर, वहां के शिवलिंग में विश्वास रखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपका बयान था उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनातनी आपकी किसी भी बात पे भरोसा भी करे। आप आज रोजगार की बात कर रहे हैं, मंदिर को लेकर रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जो टूरिज्म की स्थिति बनने वाली है उसको लेकर के ऑलरेडी अयोध्या में कितना विकास हो चुका है? क्या आपको इसका आपको इसका आइडिया भी है कि वहां का टूरिज्म किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी और उसके आसपास के इलाकों की इकोनॉमी को बना सकता है? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तस्लीम रहमानी, पहले आप क्लियर कीजिए, क्या आप शिवलिंग को फव्वारा मानते हैं? क्योंकि आपकी इस अगर आप हिंदू धर्म में अनास्था रखते हैं, अगर आपने हमारे, क्योंकि आपने किया है अपमान, हमारे भगवान का अपमान आपने पहले कर चुके हैं, नेशनल टेलीविजन पर कर चुके हैं, अगर आप अपने शब्दों को वापस लेते हैं तब तो आपकी कोई भी बात मैं सुनूंगी, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते। लेकिन अगर आपको अपने शब्दों पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है तो आपकी किसी भी बात को सनातनी होने के नाते जवाब मैं खारिज करती हूँ। तस्लीम रहमानी का जवाब देखिए, सुभ्राष्ट्रा जी क्या चीज मानती हैं क्या नहीं मानती हैं इससे मेरा कोई ज्यादा बड़ा सरोकार नहीं है। मैंने आपसे पूछा आप मानते हैं या नहीं, अपनी जगह पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं, ये पर्सनल कर रही हैं कमेंट्स, मेरी बात का कोई जवाब देने की बजाय पर्सनल कमेंट कर रही हैं। मैं बात बहुत वाजे करता हूं अमीश, मैं सीधे कहता हूं, मैंने आज तक किसी नेशनल टेलीविजन पे, अखबार में, पब्लिक मीटिंग में, कहीं भी किसी मौके पे कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। विषय पर आते, प्रोपेगंडा करने वाले क्या करते हैं, वो प्रोपेगंडिस्ट जाने, उससे मेरी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपनी आस्था को और दूसरे की आस्था का एहतराम करता हूं। अब आपने जो सवाल मुझसे किया कि रामचंद्र जी में, शिव जी में मेरी क्या आस्था है, मेरी आस्था इसमें है कि मेरे देश के लोगों की अक्सरियत की आस्था क्या है, मैं उस आस्था का एहतराम करता हूं और
मेरी 2018 की 2019 की तकरीरें सुन के देख लीजिए, मौजूद है सब जगह सोशल मीडिया पे। मैंने बहुत वाजे 5 साल पहले भी कहा है कि हम आस्थाओं का एहतराम करते हैं। अगर देश में 100 करोड़ लोग कोई आस्था रखते हैं तो हम उस आस्था का एहतराम करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम आस्था का एहतराम करते हैं हमारी आस्था का भी एहतराम किया जाए। ये इस देश की ब्यूटी है। बदकिस्मती से हमसे मुतालबा है कि हम आस्था का एहतराम करें। इन्होंने कहा मैंने पर्सनल कमेंट किया, मैं आपके व्यूअर से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भी पर्सनल कमेंट किया हो मुझे ट्विटर पर टैग करके बताएं, मैं सरेआम माफी मांगने को तैयार हूं, मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है। आप सार्वजनिक जीवन में अगर हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बात कर रहे हैं, आपने शिवलिंग को फव्वारा कहा है, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं देश में हुई है, मैं विषयांतर पे नहीं जाना चाहती। और तस्लीम रहमानी करके कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए आमिश जी, इन्होंने एक बात बड़े कम्युनल ढंग से कही और उसके उस पर ध्यान लाना जरूरी है, करना जरूरी है। इन्होंने पहले कहा हम देश के डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का भी एहतराम हो। अब मैं पूछना चाहती हूं, ये तो बड़ा सेक्युलर नैरेटिव लेकर निकले थे कि विकास के मुद्दे पर बात करनी है, तो ये हम और तुम कौन हो गए भाई? अगर ये हम और तुम कर रहे हैं तो फिर मैं कह रही हूं कि ये हमारा फैसला था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो, हमने इंतजार किया। और हम क्या होते इंतजार करने वाले? प्रभु श्री राम ने इंतजार किया। और आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो ये तुम कौन होता है जिसको जलन हो रही है कि वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? नहीं नहीं, तो मुझे बहुत सख्त ऐतराज है हम तुम अमीर जी, बहुत सख्त ऐतराज है। आप मेरा ट्विटर भी डाउन कर रहे हैं और आप समस्या को अनड्यूली ज्यादा करते रहे नेशनल टेलीविजन पर, इस देश के माहौल को भड़काने की कोशिश की है। और मैं देश के युवाओं से नहीं रह रहे हैं, आप सुनिए तो सही, आपको मेरे ओके ओके पॉइंट ओनली तस्लीम रहमानी। देखिए शर्मिष्ठा जी, एक लफ्ज भी साबित नहीं कर सकती कि मैंने किसी को भी कोई बुरा कहा है, एक लफ्ज। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ये साबित साबित करें। शर्मिष्ठा नहीं, हड़बड़ाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। हड़बड़ाएंगे वो लोग जो झूठ बोलते हैं, और ये जो भड़का रही हैं आप मेरे मुझे इंडिविजुअल के खिलाफ, आप देश के लोगों की भावनाएं भड़का रही हैं सिर्फ अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आप जैसे लोगों का आपके पास कोई इशू नहीं है इलेक्शन के लिए, सिवाय इसके कि आप कम्युनिटीज को लड़ाए और मुझे सिंबलाइज करके पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। किसी ने नहीं बोला, अगर आप शिवराष्ट्र ने किसी की, अमीर देवगन भी भड़का रहे वालों में शरीक है, और मुझे इसलिए आप यहाँ पर बता के दिखाते हैं कि आप दो कम्युनिटी को अलग अलग करके दिखा सकते हैं। रहमानी रहमानी, आपको किसने कह दिया कि मैं राजनीतिक हूँ? क्या मैंने आपको कभी कहा है कि मैंने इस पार्टी से दावा ठोका है किसी सीट पर? आप राजनीति लेकिन आप यहाँ पर राजनीति तो कर ही रही है। आप राजनीति तो कर ही रही है, आप साबित कीजिए। आपने जो इल्जाम लगाया है साबित कर सकती है, तो सबूत लाइए। और राजीव देवगन जो आपके साथ यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सबूत दीजिए। सबूत दीजिए। आप झूठ बोलिए, यहाँ आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने झूठ बोला। आपने नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोला है। आप अमीर देवगन अभी देवगन से कहिए, वही साबित कर दें। गलत आपने आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरे करियर के ऊपर बात करें? कुछ देर पहले तो आपकी जल रही थी कि जब आपने झूठ बोल रही है। आपको किसने हक दिया है कि आप मेरे खिलाफ यहाँ लोगों को भड़काए, झूठ बोल के लोगों को भड़काए? आपको किसने हक दिया है? आप मेरे खिलाफ लोगों को भड़काए? तू है विवाद दीदी दिखाई दे रहा है कि आप मेरे खिलाफ लोगों को झूठ बोल के भड़का रही हैं। आप नेशनल टेलीविजन का इस्तेमाल कर रही है झूठ बोलने के लिए। आप सुनिए, ऐसा झूठ बोल के मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं और मेरे जरिए पूरी कमेटी के खिलाफ भाषण कर रही है। आप राजनीति करती हो या ना करती हो मेरा उपयोग नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। आप कम्युनलाइज कर रही है, आप देश को कम्युनलाइज पे अभी देवगन आप मौका दे रहे हैं। भगवान शंकर का सर, मैं तो सबको मौका दे रहा हूँ, मैं तो आपको भी मौका दे रहा हूँ। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, भाषा आपकी सारी सहमत रहे। और मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ मैं पहले भी कभी नहीं बैठा और आज भी नहीं बैठूंगा। मैं लानत भेजता हूँ। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इस किस्म के चैनल पे और इस किस्म के डिबेट बात करने वाले लोगों पे बार लानत। आज छेड़ दिया है, आज के बाद उलझना मत।
दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।